सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक को हम देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट टू स्टेप्स की या फर्स्ट टू स्टेजेस की, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस एंड पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेंज, जिसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को, हमने क्या क्या पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात की थी और उसके बाद हमने पाइरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन देखी थी। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास दो पाइरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था कि 4 ATPs भी प्रोड्यूस हुए थे और एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। इन 4 ATPs में से आपने नोट किया था कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर 2 ATPs जो है वो यूटिलाइज हो गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास नेट गेन जो है वो क्या था? नेट गेन था हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 NADH मॉलिक्यूल प्लस 2 पाइरूविक एसिड्स। 2 पाइरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पाइरूविक एसिड है, इसको हमने कहा था कि नेक्स्ट फेज में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन के अंदर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था फर्स्ट जो ग्लाइकोलाइसिस हमने देख लिया, इसके बाद हमारे पास पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन। और पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमने ये देखा था कि हमारे पास पाइरूविक एसिड मॉलिक्यूल है और पाइरूविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसीटेट, एसिटिक एसिड बेसिकली, एसिटिक एसिड। और ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो रहा होता है, ठीक है। पाइरूविक एसिड जो है हम जानते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिक एसिड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये कंबाइन करता है विद कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि कोएंजाइम ए के साथ एसिटिक एसिड जो है वो अटैच हो चुका है और हमारे पास एक कम्प्लेक्स बना है, वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके साथ साथ कुछ और रिएक्शंस जो है वो हमने देखे थे। हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक NAD जो है वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस NADH। अब अगर हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्योंकि 2 पाइरूविक एसिड्स बनते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसके नेट गेन की बात करें तो हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल को ए है ये एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में और यही आज का हमारा पहला टॉपिक था, क्रेब्स साइकिल। जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, साइकिल मींस कि ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि साइक्लिक फॉर्म में है। ऐसे ही जैसे हमने कुछ लेक्चर्स पहले केल्विन साइकिल को देखा था फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्रेब्स साइकिल अपने साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनके नाम के ऊपर है। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में बेसिकली होता क्या है? इनपुट की जब हमने बात की, हमने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इसके इनपुट में होगा, तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं एसिटाइल को ए, ठीक है। ये एंटर हो रहा है जी क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर बेसिकली हमने कहा कि सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, एक साइकिल है जो कि रन होता जाएगा। डॉटेड लाइन से इसलिए शो करें बिकॉज अभी हम इसको कम्प्लीटली नहीं देख रहे। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इसके अंदर एंटर हो रहा है। कुछ चीज़ें या कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सैलो एसीटेट,
ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो एक फोर कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और हमारे पास बनेगा एक सिट्रेट, ठीक है। और ये सिट्रेट क्या है, ये बेसिकली सिक्स कार्बन कंपाउंड है, विच मेक सेंस बिकॉज हमारे पास फोर कार्बन कंपाउंड ये था और एसिटिक एसिड में हम जानते हैं कि दो कार्बन होते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, सिक्स कार्बन कंपाउंड बन गया। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एन ए डी पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू एन ए डी एच, ठीक है। ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी, और हमारे पास एक और मॉलिक्यूल जो कि है FADH2, ठीक है। FAD जो है वो रिड्यूस होता है इनटू FADH2, और NAD जो है वो दो दफ़ा इस पूरे साइकिल में NAD रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स भी बनते जाते हैं। तो ये है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। इसकी अगर हम यील्ड देखें या इसके हम आउटपुट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर ईच पाइरोविक एसिड, एक पाइरोविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटाइल कोए ए, और यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें बन रही हैं, एक ये NADH, एक ये NADH और एक हमारे पास FADH2, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे भी हमारे पास एक NAD जो है, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है इनटू NADH, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 1, 2, 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके साथ साथ एक 1 FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है और एक ATP मॉलिक्यूल बन रहा है। ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ATP। ये तो ओवरऑल यील्ड को जब हम देख रहे हैं, तो तीन हमारे पास NADH हैं, 1 ATP एंड 1 FADH2। और ये क्या, ये सब चीज़ें कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एक पायरोविक एसिड, वन पायरोविक एसिड इज यील्डिंग दिस मैनी कंपाउंड्स। और हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरोविक एसिड बनते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 2। ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 6 NADHs बन रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास 2 ATPs एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सरसरी सा एक ओवरऑल इसकी समरी देख ली क्रेब्स साइकिल की, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा हमने बात की है कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की, हमने इसकी इनपुट को देखा है। अब अगर हम इसकी डिटेल को देख लें, इसकी डिटेल को हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और स्टेप वाइज देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यूनियन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्सैलोएसीटेट। हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि फोर कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंबाइन करे या यूनाइट करे, और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता क्या है, इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है सिट्रेट। और ये जो सिट्रेट है ये बेसिकली सिक्स कार्बन कंपाउंड है, टू कार्बन्स यहाँ से आ जाएंगे और फोर कार्बन्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिट्रेट बन गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे ऐड हो जाता है और कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ से रीजनरेट हो जाता है। तो ये है स्टेप वन। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप टू के ऊपर, और स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में सिट्रेट जो हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट क्या है, ये एक पॉलीमर है, आइसोमर है सिट्रेट का। आइसोमर हमने कहा था कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, आइसोसिट्रेट बन गया। इसके बाद थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होता है, और ये जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब यहाँ आइसोसिट्रेट तक हम जानते हैं कि हमारे पास सिक्स कार्बन्स थे, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटरेट क्या है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि फोर्थ स्टेप है, उसमें दोबारा से यही प्रोसेस होता है जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें NADH प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी, NADH जो है वो प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सिनेट। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुकी है तो ये सक्सिनेट क्या है, ये बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, जैसे कि GTP जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे आप देखें GTP क्या चीज़, हम तो ATP को जानते थे, अब ये GTP कहाँ से आ गया। GTP जो है ATP की तरह ही एक प्यूरीन बेस के साथ, ग्वेनोसिन के साथ बेसिकली बना हुआ है, जो कहलाता है ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो टूट के ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है, जो कि वापस कंबाइन कर सकता है फॉस्फेट के साथ टू फॉर्म ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक ATP भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी यहाँ से जो एनर्जी यील्ड हो रही है उस एनर्जी से ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP। ये हमने देख लिया स्टेप फोर। स्टेप फोर के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फाइव। और स्टेप फाइव क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। यहाँ पे जो सक्सिनेट बना है ये ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है वो कहलाता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कहते हैं FAD। ठीक है, तो ये जो FAD है ये चेंज हो जाएगा इनटू FADH2, यानी कि ये रिड्यूस हो गया, और इसने खुद रिड्यूस हो गया और इसने ऑक्सीडाइज कर दिया सक्सिनेट को इनटू फ्यूमरेट। अब ये फ्यूमरेट क्या है, जहाँ पे हमने देखा ये 4 कार्बन कंपाउंड था, ये भी फ्यूमरेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। डिफरेंस ये है कि अब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो अलग हो चुके हैं। तो ये हमने फिफ्थ स्टेप देख लिया। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप क्या है, सिक्स्थ स्टेप में फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट। और मैलेट क्या है, मैलेट बेसिकली एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यहाँ पे वाटर भी ऐड हो रहा होता है। ठीक है, तो फ्यूमरेट और वाटर ऐड होंगे, क्या बनेगा, मैलेट बनेगा, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और मैलेट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ ये होगा कि जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और रिडक्शन रिएक्शन होगा जिसमें NAD पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NADH। अब यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है, अगर आप गौर करें तो हमने देखा था कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे एक ऑक्सैलो एसीटेट है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ऑक्सैलो एसीटेट्स हैं, यानी कि ये सब कुछ जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये वापस यूज़ हो जाएगा इनटू आर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो ये वही सेम ऑक्सैलो एसीटेट है। मेरे पास ये एक इमेज है जिसे मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, इसके अंदर अगर आप देखें तो वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। हमने कहा था कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हो रहा है क्रेब्स साइकिल में, और हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट, तो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, सिट्रेट। सिट्रेट हमने कहा था कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। सिट्रेट जो है वो चेंज हो जाता है इनटू वन ऑफ इट्स आइसोमर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये कंपाउंड बना और उसके बाद डी आइसोसिट्रेट बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लीव करता है सिस्टम में, यहाँ पे वापस ऐड हो जाता है, हमारे पास आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट के बाद
एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस सिस्टम से बाहर जा रहा है और यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है जिसमें NADH मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके बाद अल्फा गीटो ग्लूटरेट बन रहा है और यहाँ पे फिर दोबारा से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो गई, यहाँ से बाहर आ गया और NADH बन गया, प्रोड्यूस हुआ NADH। और जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है वो कन्वर्ट हो गया इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली चेंज हो गया इनटू सक्सिनेट और सक्सिनेट जो है वो चेंज हो गया इनटू फ्यूमरेट। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीडीपी जो है वो चेंज हो रहा है इनटू जीटीपी। ठीक है, तो ये जो सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज हुआ था या कन्वर्ट हुआ था अब वो फ्यूमरेट से मेलेट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और फ्यूमरेट बन जाएगा मेलेट। मेलेट के यहाँ पे वापस ऑक्सीडेशन होगी यानी कि NAD जो है वो रिड्यूस होगा और हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिडेट बन जाएगा। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब अगर आप गौर करें तो हमने देखा था कि एक पायरोविक एसिड जो होता है उसके अंदर तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स थे इनमें से एक कार्बन, तीन कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब तीन कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पे अलग हो गया, इसके बाद एक कार्बन जो है वो यहाँ पे अलग हो गया और एक कार्बन यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो कार्बन आए थे वो यहाँ पे सेपरेट होते गए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो साइकिल है ये इसी तरह से रन होता जा रहा है। और इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका जो प्रेपरेटरी फेज है जिसे हमने कहा था पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था और ये सब कुछ वन पायरोविक एसिड, एक पायरोविक एसिड से प्रोड्यूस हो रहा था। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो वो हम देख रहे हैं कि ये वो स्टेप है, ये वो जगह है जहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ये था क्रेब्स साइकिल। एक दफ़ा अगर हम इसको समराइज़ कर लें, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हम बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन को पढ़े थे और उसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस और पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन को डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख लिया था। कुछ समरी उसके इस तरह से थी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल और इसके साथ साथ हमारे पास ओवरऑल दो ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और दो पायरोविक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो दो पायरोविक एसिड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाते हैं, ये एसिटिक एसिड बनाते हैं और उसके बाद वो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एंटर हो जाता है इनटू अ साइकिल विच इज़ नोन एज क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास NADH, FADH2 एंड ATP मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं इनमें होता क्या, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऐड हो जाता है या यूनाइट कर देता है ऑक्सैलो एसिटेट के साथ टू फॉर्म सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से हमने कहा था अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से हमारे पास सक्सिनेट बनेगा। और ये जो दो रिएक्शंस इसमें क्या है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है, अलग हो रहा है इससे। तो इस पॉइंट तक हमारे पास क्या बन गया, इस पॉइंट तक हमारे पास बन गया है सक्सिनेट। सक्सिनेट दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्यूमरेट। यहाँ पे हमारे पास समझ लें कि फ्यूमरेट बन गया। फ्यूमरेट से हमारे पास एक और इंटरमीडिएट फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं मेलेट, और मेलेट से हमारे पास ऑक्सैलो एसिटेट बन जाता है। नेट यील्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने देखा कि 3 NADH मॉलिक्यूल्स बने, एक ATP और एक FADH2 मॉलिक्यूल बना। और क्योंकि ये एक पायरोविक एसिड से बने और हम जानते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक अप इनटू टू पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स, दो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो हमारे पास ओवरऑल जो नेट यील्ड आएगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से वो क्या है, वो है 6 NADH, 2 ATP एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है, ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसको हम कंसीडर करें, यानी कि आइडियली जब सब कुछ बहुत अच्छा हो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से क्रेब्स साइकिल के अंदर 6 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। और ये क्या होंगे, इनमें से FADH2 और NADH जो हैं वो आगे जाके इसके जो नेक्स्ट स्टेज है जिसे हम कहते हैं
रिस्पायरेटरी चेन उसके अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे। और इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर देखा था कि हमारे पास 1 NADH प्रोड्यूस हुआ था, और हमने जब ग्लाइकोलाइसिस को देखा था तो इसके अंदर हमने देखा था कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।